हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्नो सेवियर। सो दोस्तों, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे कभी साइडवेज चलता ही रहता है। एंड माय कंसर्न इज नॉट ट्रेडिंग, मेरा कंसर्न ये है कि आई शुड रेगुलरली जनरेट क्रिप्टो, आइदर बाय पैसिवली और एक्टिवली ट्रेडिंग। और अभी ये इस डाउन मार्केट में एक्टिव ट्रेडिंग करना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डाउन वो 20% जाता है तो अप जस्ट 5% या 10% जाता है। सो वॉट हैव आई डन इज आई हैव शिफ्टेड ऑल माई फोकस टू पैसिव कॉइन्स, लाइक हाउ कैन आई जनरेट मोर एंड मोर पैसिवली। जैसे कि आपको पहले पता होगा कि हमने बहुत सारा वीडियोज कवर किया था कि आप सिक्योर नोट कैसे बना सकते हैं और सिक्योर नोट से पैसिवली कैसे जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों, आज हम लोग ऐसे ही और एक कॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे विच कॉट माई अटेंशन बिकॉज ऑफ देयर फंडामेंटल्स एंड देयर कम्युनिटी। सो दोस्तों, अगर हम लोग मास्टर नोट्स डॉट ऑनलाइन पे जाएंगे देन यू कैन फाइंड आउट दैट सबसे वॉल्यूम के हिसाब से सबसे अच्छा कॉइन है डैश, देन कम्स जी कॉइन। बट ये दो कॉइन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर अब वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे देन आफ्टर जेन कैश कम्स स्मार्ट कैश। सो दोस्तों, आज हम लोग स्मार्ट कैश के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे वाई दिस कॉइन इज सो गुड और कि वाई दिस कॉइन इज सो डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉइन्स। सो डिटेल्स में जानने से पहले एक रफ ओवरव्यू देख लेते हैं कि अगर हम लोग स्मार्ट कैश का मास्टर नोड सेटअप करते हैं देन द प्रॉफिटेबिलिटी या आरओआई इज अराउंड 46.55%। और आपको अराउंड 10,000 स्मार्ट कैश चाहिए जिसका रेट अभी 0.04 डॉलर चल रहा है। बेसिकली ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्मार्ट कैश पे देन यू कैन फाइंड आउट सम मोर डिटेल्स। और अगर नीचे आएंगे आप देख सकते हैं प्राइस हर कॉइन का वैसे ही नीचे है। सो इट कैन बी ए वेरी गुड टाइम फॉर ग्रैबिंग गुड कॉइन्स एट ए वेरी लो प्राइस। दोस्तों, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, सो मेरी बात सुन के बस खरीद मत लेना, अपना रिसर्च भी कर लेना। और अगर हम लोग मास्टर नोट्स डॉट मैप पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट कैश का नोड कहाँ कहाँ पे किस किस कंट्री में ऑलरेडी सेटअप हुआ है। आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट है अराउंड यूएस में 5,227 मास्टर नोट्स। यूएस इज ऑलवेज फर्स्ट इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और सरप्राइजिंगली आई फाउंड आउट कि इंडिया में भी अराउंड 200 मास्टर नोट्स है। एंड मोर सरप्राइजिंगली इट इज हायर देन चाइना। ओह माई गॉड, सो वॉचिंग 200 मास्टर नोट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया इज अ बिग डील। लाइक दोस्तों, बहुत सारे लोग दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स लाइक मास्टर नोट, सिक्योर नोट्स या पैसिव इनकम स्ट्रैटेजी। पैसिव इनकम स्ट्रैटेजी का बहुत सारा वे है। अगर आप नियो होल्ड करें या ऑन्टोलॉजी होल्ड करें देन ऑल्सो यू कैन अर्न फ्रॉम गैस। सो चलिए दोस्तों, स्मार्ट कैश के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। सो स्मार्ट कैश के वेबसाइट को जाने के लिए आप यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे देन इट ओपन्स अप द स्मार्ट कैश वेबसाइट। सो फ्रेंड्स, जब आप स्मार्ट कैश के वेबसाइट को रीच करते हैं देन यू फाइंड आउट देर इज समथिंग स्मार्ट हाइव। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली स्मार्ट कैश का बहुत ही एक एम्बिशियस डेवलपमेंट स्केड्यूल है और दे आर फ्रीक्वेंटली मीटिंग देयर डेवलपमेंट माइलस्टोन्स। सो दोस्तों, व्हाट इज स्मार्ट कैश? सो स्मार्ट कैश को अगर आप क्रिप्टो के हिसाब से देखेंगे देन इट इज बेसिकली जस्ट लाइक एनी अदर क्रिप्टो, बट इफ यू गो इन टू द फंडामेंटल्स दे आर क्वाइट डिफरेंट। सो फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, इथेरियम या और भी जो इनिशियल क्रिप्टो करेंसीज है, जब वहाँ पे एक माइनर एक ब्लॉक को सॉल्व करता है देन ही बेसिकली ही और सी और दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिंगल ऑर्गेनाइजेशन दे गेट ऑल द रिवॉर्ड। और यहाँ पे कम्युनिटी को बहुत ही कम फोकस दिया जाता था, लाइक द पीपल हु आर डेवलपिंग द कॉइन या हु आर मेंटेनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, हु आर कंटिन्यूअसली अपग्रेडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव बिन गिवन लीस्ट इंपॉर्टेंस। बट अगर स्मार्ट कैश के केस में देखेंगे इट्स क्वाइट ऑपोजिट, लाइक ओनली 30% ऑफ द रिवॉर्ड्स हैव बिन गिवन टू माइनर्स। और उसमें भी बहुत डिविजन है, लाइक आउट ऑफ 30% ओनली 5% रिवॉर्ड इज गिवन फॉर माइनिंग एंड स्मार्ट रिवॉर्ड्स इज गिवन फॉर 15% एंड स्मार्ट नोट्स लाइक बेसिकली मास्टर नोट्स दे गेट ओनली 10% ऑफ द रिवॉर्ड्स। बाकी 70% ऑफ द रिवॉर्ड्स इज गिवन टू द कम्युनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स। सो वी विल सी कि ये लोग एग्जैक्टली कैसे करते हैं और इन सच ए नाइस ट्रांसपेरेंट वे हाउ कैन दे फंड द कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। स्मार्ट कैश यूजेस क्रेक माइनिंग एल्गोरिदम एंड इट कैन बी माइंड यूजिंग सीपीयू एंड जीपीयूज
एंड अगर आप इसको डुअल माइन करना चाहते हैं देन ऑल्सो यू कैन माइन इट बिसाइड्स इथेरियम, इथेरियम और क्रेक दोनों साइड बाई साइड आप माइन कर सकते हैं यूजिंग डुअल माइनिंग। और इसके लिए अभी तक एसिक्स बना नहीं है, सो इट विल बी स्टिल प्रॉफिटेबल टू माइन टू सम एक्सटेंट। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इफ यू जस्ट माइन दैट एल्गोरिदम इट विल बी प्रॉफिटेबल, इफ यू डुअल माइन यू विल गेट सम स्मार्ट कैश अलॉन्ग विथ इथेरियम और एनी अदर कॉइन्स। सो अगर हम लोग नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि वॉट मेक्स दिस डिफरेंट, लाइक बेसिकली इट्स वेरी फास्ट, लाइक इनका इंस्टेंट सेंड जो फीचर है इट वर्क्स विद इन सेकेंड। सो अगर आप स्मार्ट कैश के कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं देन देर आर वेरियस लिंक्स यू कैन फाइंड ऑल ओवर हियर। और नाउ इफ यू कम डाउन टू द 2018 रोड मैप, सो फ्रेंड्स दिस इज द स्मार्ट कैश 2018 रोड मैप जिसका मेन फोकस है इनविजिबल एड्रेसेस। लाइक इनविजिबल एड्रेसेस व्हाई इट इज नीडेड इज सपोज आपका एक बिजनेस है और आप अपना ट्रांजैक्शन सबको ओपनली दिखाना नहीं चाहते हो, लाइक हाँ आप पेमेंट एक्सेप्ट तो कर रहे हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका कंपटीटर भी आपका पेमेंट्स कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है पर डे सब देख पाए। सो फॉर दैट बिजनेसेस नीड ए एड्रेसेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग क्रिप्टो, लेकिन उसका ट्रांजेक्शन पब्लिकली ओपन नहीं होना चाहिए दूसरों के लिए। सो देयर मेन फोकस इज ऑन दैट और स्मार्ट कार्ड। लाइक स्मार्ट कार्ड इज समथिंग लाइक ए डेबिट कार्ड, सो यू कैन जनरेट ए ई कार्ड और आप इसको प्रिंट या लैमिनेट कर सकते हो। एंड हुएवर मर्चेंट, लाइक व्हिच एवर मर्चेंट इज एक्सेप्टिंग स्मार्ट कार्ड यू कैन यूज दैट कार्ड फॉर मेकिंग योर ट्रांजेक्शंस। और उसके लिए शायद एक पिन भी जनरेट करना होता है, ओनली वंस यू एंटर द पिन देन ओनली द ट्रांजेक्शंस गेट जनरेटेड। सेकेंड इलेक्ट्रम वॉलेट के लिए वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं और दे हैव ए मिनी मोर फंक्शनैलिटीज गोइंग ऑन इन 2018, बट आई थिंक 2018 का उनका सबसे बड़ा चैलेंज होगा ये इनविजिबल एड्रेस स्मार्ट कार्ड और इलेक्ट्रम वॉलेट। एंड होपफुली लेजर और ट्रेजर में भी इनका वॉलेट आ जाए। दे टू हैव ए डेडिकेटेड सपोर्ट सेंटर, लाइक बहुत कम कॉइन्स ऐसे हैं जिनका की डेडिकेटेड सपोर्ट सेंटर है। लाइक इफ यू वांट सम हेल्प और इफ यू आर स्टक, इफ योर पेमेंट हैज नॉट येट रीच्ड, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट देयर सपोर्ट सेंटर। एज फार एज आई नो ओनली जेन कैश एंड स्मार्ट कैश हैज दिस फैसिलिटीज टिल नाउ। सो अगर हम लोग नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं दे आर वर्किंग ऑन ए लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट टू इंटीग्रेट स्मार्ट कैश विद द एक्चुअल मर्चेंट्स। सो फ्रेंड्स चलते हैं स्मार्ट कैश के सबसे इंटरेस्टिंग कम्युनिटी सेक्शन पे जो है द हाइव। द हाइव में अगर आप स्मार्ट हाइव वोटिंग पे जाएंगे देन इट विल ओपन अप दिस पेज और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट कैश के लिए बहुत सारे प्रपोजल्स हैं। सो इफ यू हैव सम ग्रेट आइडिया दैट कैन हेल्प स्मार्ट कैश कि उनका पॉपुलैरिटी ग्रो हो या पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग स्मार्ट कैश देन यू कैन प्रेजेंट योर आइडिया हियर। अगर आपका आइडिया सिलेक्ट हो जाता है देन वो लोग आपको फंड कर देंगे। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मार्ट ऑन सेल एक आइडिया प्रपोज हुआ था कम्युनिटी पे। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर ट्राइंग टू क्रिएट ए स्मार्ट कैश पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, जैसे कि हमारा एक डेबिट कार्ड स्वाइप मशीन रहता है यूजिंग विच हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं। लुक्स लाइक ये और 9 डेज के लिए चलेगा और वंस ऑल द कम्युनिटी मेंबर्स डिसाइड दैट ओके इट इज ए गुड प्रोजेक्ट और देन दे विल व्हाट दे विल डू इज दे विल सेंड $19,000 वर्थ ऑफ स्मार्ट कैश टू द पर्सन हुएवर इज डेवलपिंग। सो दोस्तों ऐसे नहीं कि सारा का सारा प्रपोजल्स जो भी आता है इट जस्ट गेट्स एक्सेप्टेड, मेनी प्रपोजल्स आर देयर विच ऑल्सो गेट्स रिजेक्टेड। लाइक किसी ने एक प्रपोजल दिया था कि मीटअप करेंगे और उसके लिए दे वॉन्टेड सम स्मार्ट कैश एंड इट गॉट डाउन वोटेड बाई 70% ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स। सो बेसिकली दिस प्रपोजल विल बी कैंसल्ड। सो वॉट कैन यू डू हियर, लाइक एज ए कम्युनिटी मेंबर हाउ कैन आई हेल्प टू कंट्रीब्यूट दिस। वॉट आई कैन डू इज मैं इनका प्रपोजल देख सकता हूँ, डिटेल में देख सकता हूँ और इफ आई एम होल्डिंग वन स्मार्ट कैश आई एम एलिजिबल टू वोट। सो दोस्तों अगर हम लोग एक स्मार्ट कैश होल्ड कर रहे हैं देन माई वोट वेट इज वन। अगर मैं 10,000 स्मार्ट कैश होल्ड कर रहा हूँ देन माई वोट वेट इज 10,000। अगर मैं यहाँ पे वोट करना चाहता हूँ लाइक आई वॉन्ट टू वोट फॉर दिस प्रोजेक्ट, लाइक मुझे ये अच्छा नहीं लगा और मैं इसको रिजेक्ट करना चाहता हूँ, सो वॉट आई विल डू इज आई विल कास्ट माई वोट और यहाँ पे
मेरा स्मार्ट कैश का एड्रेस दे सकता हूँ, और ये एक स्पेशल सिग्नेचर है। इट इज़ नॉट योर प्राइवेट की बेसिकली, इट इज़ अ डिफरेंट सिग्नेचर व्हिच आइडेंटिफाइज दैट यू आर द ओनर ऑफ दिस एड्रेस, और आप इसको यूज़ करके येस नो या एब्सटेन कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कास्ट योर वोट। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे वोट्स भी दिए गए हैं, और इट्स अ कंटिन्यूस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू ऑल प्रपोजल्स, ऐसे नहीं कि सारा का सारा प्रपोजल्स विल बी ऑलवेज एक्सेप्टेड। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉट फंडेड, दीज ऑल प्रोजेक्ट्स वर कैंसल्ड। इवन इफ इट सिक्योर्ड 48% ऑफ द वोट, इट वॉज स्टिल कैंसल्ड बिकॉज बहुत लोगों को लगा कि इट वॉज नॉट वर्थ इट। और दीज ऑल प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड एंड इट वॉज वाइडली एक्सेप्टेड बाई द कम्युनिटी। यहाँ पे देख सकते हैं विच ऑल प्रोजेक्ट्स आर ओपन टू वोट, लाइक स्टिल वोट इज ऑन गोइंग। और यहाँ पे 78% लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट, फंड एलोकेटेड। ओके, सो दीज प्रोजेक्ट्स आर बेसिकली अप्रूव्ड बाई द कम्युनिटी एंड फंड्स हैव बीन एलोकेटेड, लाइक इट्स ऑन गोइंग, इट्स नॉट येट कम्प्लीटेड। एक बार कम्प्लीटेड हो जाता है देन इट कम्स ओवर ईयर। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि दिस इज सच ए पावरफुल एंड इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, कि अगर आपके पास कोई आइडिया है सो दैट यू कैन प्रमोट दिस कॉइन या हेल्प अदर्स टू एक्सेप्ट स्मार्ट कैश, देन यू कैन प्रपोज योर आइडिया एंड इट विल गेट एक्सेप्टेड इफ इट इज ए जेन्युइनली गुड आइडिया। और यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, लाइक हुएवर इज ओनली होल्डिंग स्मार्ट कैश दे आर द वंस डिसाइडिंग। अगर आप स्मार्ट कैश होल्ड नहीं कर रहे हो देन यू हैव नो से इन द प्रपोजल्स, अगर आप स्मार्ट कैश होल्ड कर रहे हो देन यू डेफिनेटली हैव योर से इन द प्रपोजल्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर दैट आई लाइक अबाउट स्मार्ट कैश। और ऐसे नहीं कि ये पूरा काइंड ऑफ डेड कॉइन है, देर आर लॉट ऑफ प्रपोजल्स दैट आर गेटिंग एक्सेप्टेड एंड लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गेटिंग रिजेक्टेड। कम्युनिटी इज क्वाइट एक्टिव हियर। और इफ वी गो बैक टू द स्मार्ट कैश वेबसाइट देन वी फाइंड अबाउट स्मार्ट कार्ड। आई थिंक इनका डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। दे आर टेलिंग व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ स्मार्ट कार्ड, लाइक हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प। सो इफ यू कम डाउन यू कैन फाइंड आउट कि ये एग्जैक्टली हमारे डेबिट कार्ड की तरह लग रहा है, लाइक इसका एक नंबर है एंड इट हैज़ ए पिन, और आप इसको जितना बैलेंस में फिलअप करेंगे उतना बैलेंस ही डिडक्ट हो सकता है एंड यू कैन एनी टाइम ब्लॉक दिस कार्ड। और यहाँ पे कुछ रीजंस भी दिया गया है कि व्हाई यू शुड चूज स्मार्ट कार्ड, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी फी, इट इज सिक्योर क्योंकि आपके पिन के बिना नो वन कैन यूज योर फंड्स, और यू कैन ऑल्सो मेक ए कार्ड आउट ऑफ दिस ई कार्ड एंड इट इज़ वेरी फास्ट, इट इज़ बेसिकली इंस्टेंट। और यहाँ पे बहुत सारा वीडियोस भी है जहाँ पे दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं कि हाउ टू यूज दिस स्मार्ट कार्ड। सो देर आर लॉट ऑफ वीडियोस, होपफुली आई विल बी एबल टू मेक वन। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट स्मार्ट कैश। सो मैं ट्राई करूंगा कि एक मास्टर नोट सेटअप करने के लिए, और आपके साथ शेयर करूंगा कि उसका अर्निंग्स और कैसा है, लाइक इज इट ईजी और इज इट नॉट ईजी। और अगर आप मेरा ZenCash का सेटअप देखेंगे देन बेसिकली आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एक बार मैंने उसको सेटअप कर लिया, आई डोंट इवन हैव टू ओपन इट्स वॉलेट, वॉलेट बेसिकली मेरा लेजर में है। सो आई हैव नो कंसर्न्स अबाउट दिस एंड इट इज़ वर्किंग क्वाइट गुड। अगर आप पेमेंट देखना चाहते हैं, इट्स बेसिकली एवरीथिंग इज ओपन सोर्स। यू कैन सी दैट आई हैव रिसीव्ड ए फ्रेश बैच ऑफ पेमेंट्स दैट इज़ ऑन 20th। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20th को मेरा एक और फ्रेश बैच ऑफ पेमेंट्स आया। सो एवरी ट्यूजडे आई गेट माई पेमेंट्स, बेसिकली एवरी मंडे नाइट आई रिसीव माई पेमेंट। सो आई थिंक आई एम गेटिंग एन एवरेज पे आउट ऑफ 0.05 ज़ेन पर डे, और ये बहुत ही कंसिस्टेंटली मुझे वैसे ही इतना ही मिल रहा है। इनिशियली थोड़ा ज़्यादा मिल रहा था बिकॉज सिक्योर नोट्स इतने नहीं थे। सो फ्यू इनिशियल फ्यू डेज ऑफ एनी कॉइन इज क्वाइट गुड। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरे तरह इंटरेस्टेड हो पैसिव इनकम में, और आपने ऑलरेडी कुछ आइडियाज एक्सप्लोर किया है और एंड यू फाइंड आउट दैट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, डू शेयर विथ अस। और फिलहाल के लिए मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको दिखा सकूं, अगर मैं मास्टर नोट सेटअप कर रहा हूँ स्मार्ट कैश के लिए, हाउ इट विल बी सेटअप एंड व्हाट इज द पेमेंट फ्रीक्वेंसी। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैप्पी स्टेकिंग एंड माइनिंग।